वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। दोस्तों लॉकडाउन के चलते पिछले काफी दिनों से मैं कोई नया वीडियो शूट नहीं कर पाया और मैं कहीं ट्रैवल के लिए बाहर नहीं गया, तो ये भी एक वजह है कि मैं कोई नया व्लॉग बना नहीं पाया। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ वो एक खास नन्हे से प्यारे से छोटे से क्यूट से मेहमान के ऊपर है, जो कि ठीक आज से 15 दिन पहले मेरे दोस्त के घर पे आया है। और 15 दिन पहले भी मैं उसे मिलने गया था, लेकिन उस वक्त मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं उसको शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे उसके साथ काफ़ी इंजॉय करना था। तो उस वक्त कैमरा भी मैं अपने साथ में लेके नहीं गया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे शूट करूँ और आप सबसे भी मिलाऊँ। उसका नाम है जीएस, जो कि गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, छोटा सा प्यारा सा पपी है, बहुत ही स्वीट है। जब लास्ट टाइम मैं उसे मिला था तो बहुत छोटा था, पर इस बात को करीब करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं और मेरे हिसाब से कोई भी डॉग 2 महीने के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता इस वक्त उसके साइज़ क्या और कितना बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उसका वीडियो शूट करूँ और मैं आप सबको मिलाऊँ। और इस व्लॉग को शूट करने के लिए मेरे साथ दो छोटे से नन्हे से मेहमान और है, जो कि उस पपी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड और सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए कि हमें भी साथ में लेके चलो, हमें भी उसे देखना है और के साथ खेलना है। तो मैं आपको इस वक्त मिलाता हूं। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त है एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा, जो कि गोल्डन रिट्रीवर का नहीं है, इंसान का बच्चा, और इसका नाम है यूवी। हाय गाइस। अच्छा यूवी भाई, आर यू सो एक्साइटेड टू मीट जीएस? आई एम एक्साइटेड टू मीट जीएस बिकॉज़ आई वांट टू प्ले विद हिज। अभी कैमरे के सामने इंग्लिश में बात कर रहा है, बाकी बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, शुद्ध हिंदी बोलता है। तो मैं चाहूंगा कि यूवी थोड़ा हिंदी में बात करके बताए यार। अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी ऐसा आता नहीं है, थोड़ा हो अच्छा, थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो गया। चलो ठीक है, इसको जाना था। दोस्तों अब मैं आपको दूसरे नए मेहमान से मिला, जिसका नाम है स्पर्श, क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जो भी मेरे से इस वक्त मेरे साथ में जीएस को मिलने के लिए मेरे साथ चल रहा है। तो स्पर्श, व्हाई आर यू सो एक्साइटेड? मैं तो इतना एक्साइटेड हूं, मुझे डॉग बहुत पसंद है। उसके बाद में मेरे घर पे सभी लोग बहुत एक्साइटेड है हमारे घर पे एक डॉग लाने के लिए। और मैंने शायद पिछले व्लॉग में कहा भी था कि बहुत जल्द मैं भी अपने घर पे एक छोटा सा पपी ला सकता हूँ। तो बस शायद शुरुआत भरत से हुई है, लेकिन बहुत जल्दी मेरे घर पे एक छोटा सा पपी आपको देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ में इस पपी से मुलाकात कराने के लिए। दोस्तों इस वक्त हम हमारे घर से निकल चुके हैं, हम मेरे दोस्त के घर पे जाने के लिए। मेरे दोस्त का घर करीब यहाँ से 2 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से, पर जाने से पहले मेरी डॉटर का भी मुझे कॉल आया एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मीट जीएस। तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं रास्ते से पिकअप करता हूँ, क्योंकि वो कहीं बाहर गई हुई थी। तो मैं पहले जा रहा हूँ अपनी डॉटर को पिकअप करने रायना को, और उसे पिकअप करने के बाद में हम सीधे जाएंगे मेरे दोस्त जो कि मैग्नम में रहता है, तो वहाँ पे जाके फिर हम सभी लोग जीएस को मिलने वाला है और पूरा व्लॉग शूट करने वाला है। मिलते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में नेफ्यू दक्ष भी है, क्योंकि मेरे ठीक पास बैठा है दक्ष, और मेरे साथ मेरी डॉटर भी है जो इस वक्त मेरे कार में बैठ रही है। डॉटर के साथ एक और है हीत करके। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस पपी को मिलने के लिए। सच कहूं दोस्तों, ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। एक छोटे से पपी को देखना, उसे हाथों में लेना, उसके साथ में 2-3 घंटे 4 घंटे खेलना, ये बहुत ही एक्साइटेड कर रहा है हम सबको, और हम सब इसीलिए उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये शूट करके दिखाऊंगा तो आप भी इसे उतना ही इंजॉय करेंगे जितना मैं इस वक्त मेरे बच्चों के साथ में वहां पे जाके जो इंजॉय करने वाला हूँ। तो दोस्तों बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और 2 मिनट के अंदर यहाँ से मैग्नम में पहुंच जाएंगे, और वहां पे फिर हम जीएस के साथ वीडियो शूट करेंगे और बहुत सारी खेल के धमाल करने वालों के साथ में।
ऊपर क्यों चढ़ा है? दोस्तों इस वक्त करीब करीब 8:30 बज चुके हैं और हम डॉग से मिलने के लिए गए थे हमारे घर से 5 बजे, तो करीब 3-3.5 घंटे हमने डॉग के साथ बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमने खेला और बच्चों ने तो काफ़ी इंजॉय किया। तो दोस्तों अब कंक्लूजन पे आते हैं।
कल रात को मेरे घर पे यहाँ पे बच्चों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त मीटिंग हुई थी कि हम कौन से ब्रीड का डॉग हमारे घर पे लाए, तो उसपे काफी सारा डिस्कशन हो रहा था, कोई पुडल कोई और कोई दूसरा। तो आज हम गोल्डन रिट्रीवर को मिलने के बाद में हमारे जो बच्चे हैं फैमिली के, वो सारे बच्चों ने ये डिस्कस किया और डिसीजन किया डिस्कस करके कि उन्हें गोल्डन रिट्रीवर बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी मैं आपको बता दूं कि इतना छोटा प्यारा मासूम सा ये डॉग है कि करीब 3 घंटे में एक बार भी उसने बार्क नहीं किया है। 3 घंटे में हम 6 लोग उससे आज पहली बार मिलने के लिए गए थे, लेकिन किसी को देख के उसने ऐसा कोई स्ट्रेंज बिहेव नहीं किया है। बहुत ही नॉर्मल से वो हमारे साथ घुल मिल गया बहुत ही कम समय में, और हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि अगर आप एक हाउस के लिए, घर के लिए डॉग ले रहे हो, तो ऑप्शंस तो काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको अगर एक कोई शांत पपी पसंद है, डॉग पसंद है, जो कि बहुत ही शांति से आपके साथ रहे, बहुत ही शांति से घुल मिल जाए, और कोई नए व्यक्ति आपके घर पे आए तो उनके साथ में भी बहुत जल्दी वो फ्रेंडली हो जाए और बात ना करे, तो गोल्डन रिट्रीवर बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये आज उसके साथ में 3 घंटे स्पेंड करने के बाद में यही है कि आपको गोल्डन रिट्रीवर लेना चाहिए। दोस्तों, एक और बात मैं आपको डॉग के बारे में कहूँ, जब कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ देख रहा था, तो उस वीडियो में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक पंडित जी का इंटरव्यू था और कोई लेडी उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो उन पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि शास्त्रों के हिसाब से भी आपको एक डॉग अपने घर पे लेना चाहिए। डॉग को घर पे लाने से आपके घर पे आने वाली सारी परेशानियां, सारी जो कहते हैं नेगेटिविटी जो है, वो डॉग के आने से दूर हो जाती है, क्योंकि डॉग जो है वो अपने ओनर से बहुत ही अनकंडीशनल लव करता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है या घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, तो डॉग जो है उसको अपने ऊपर ले लेता है, और घर में वो जो दुख का पीरियड है वो आता ही नहीं और बाहर से बाहर ही निकल जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी 2 ही जानवर ऐसे हैं जिनको शास्त्रों में जिनका उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक है गाय और दूसरा जो है वो है डॉग, और डॉग को जो है भैरव देव का वाहन कहा जाता है। तो इस हिसाब से भी हर घर में एक डॉग होना ही चाहिए। और डॉग के बारे में बहुत सी जानकारी उन्होंने बताया कि अगर आप डिप्रेशन के शिकार है, अगर आपको कोई नज़र लग जाती है, भूत प्रेत का भी कोई साया है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी आपके घर में एक डॉग होना ही चाहिए। जो मैंने सुना, मैंने देखा, वही मैंने आपके साथ इस वक्त शेयर किया है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, डॉग लाना है नहीं लाना है। अब आप देखिए, मैंने मेरा अनुभव जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस वक्त मेरे साथ में जो बच्चे हैं मेरे साथ में, जो हम लोग वहाँ पे मेरे साथ में आए थे डॉग से मिलने के लिए, उन्होंने क्या डिसाइड किया, मैं उनको भी पूछता हूँ कि पुडल लेना है कि गोल्डन रिट्रीवर लेना है, कि उनको वहाँ पे क्या मजा आया। चलिए, मैं आपको उनसे मिला था और उनसे पूछता हूँ। तो इस वक्त मेरे साथ में मेरा छोटा सा दूसरा प्यारा सा बच्चा है, जो मेरी सिस्टर का बच्चा है यूवी, मैं यूवी से पूछता हूँ कि उसको 2 घंटे में कितना मजा आया और उसको क्या अच्छा लगा, कि कौन सा डॉग लेना है। चलिए यूवी, बताओ मुझे। आई थिंक मुझे गोल्डन रिट्रीवर ज्यादा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? वो पीसफुल है और 3 घंटे में उसने कोई बात नहीं, कोई भौंका नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया, तो इसके लिए मैं उसको प्रेफर करना चाहता हूँ। ओके, वेरी गुड। अभी मैं पूछूंगा यूवी से, स्पर्श से, कि स्पर्श ने क्या डिसाइड किया। तो स्पर्श जल्दी से इधर आजा फटाफट, स्पर्श बताएगा मुझे कि कौन सा डॉग पसंद आया तुझे। मुझे सबसे अच्छा लगा है गोल्डन रिट्रीवर। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो हमने पूरा 3 घंटा खेला, उसने सिर्फ एक बार बात एक बार नहीं किया। तो हमको डॉग लेना चाहिए। कौन सा डॉग लेना चाहिए? गोल्डन रिट्रीवर। ये भी कौन सा डॉग लेना चाहिए? गोल्डन रिट्रीवर डॉग लेना चाहिए। पक्का? पक्का। ओके, दक्ष भी मेरे साथ में है, मैं दक्ष से भी बात कराऊंगा आपको कि उसने क्या अनुभव किया इस 2 घंटों के दौरान। तो दक्ष, क्या करना चाहिए? डॉग लेना चाहिए? ऑफकोर्स लेना चाहिए। और लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए? गोल्डन रिट्रीवर। बहुत मस्त एक्सपीरियंस था, वो इतना पीसफुल डॉग है, आपको उसको देख के मतलब ऐसा अंदर से खुशी होगी। दोस्तों, आज का ये दिन मैंने बहुत इंजॉय किया है और पूरे वीडियो को शूट किया है, शूट करके यूट्यूब चैनल पे मैं मोस्ट ऑब्वियसली आने वाले सैटरडे को डालने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर डॉग लवर है तो भी, और डॉग लवर नहीं है तब भी आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बनता है। और इस डॉग के साथ जो मैंने मेरे व्यक्तिगत पर्सनल फोटोग्राफ क्लिक किए थे 2 वीक पहले, जब वो बहुत ही छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा था, इससे भी ज़्यादा छोटा था, 39 डेज का था, उसके जो फोटोग्राफ मैंने शूट किए वो भी मैंने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डाले हैं। इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन, मेरे जो डेट जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, आप वहां पे जाके भी वो फोटोग्राफ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।